ये भाई ड्रम स्टिक, ये क्या प्लेटर बन रहा है? हाँ ये प्लेटर है सर। ये चिकन टिक्का, ये चिकन टिक्का आ गया, ये टिक्का छतना था। वाह भाई वाह, ये और माल लगेगा। अच्छा और भी चीज़ें आ रही हैं अभी? वाह भाई वाह, क्रीम की टॉपिंग भी होती है एंड में। और लावा पिज़्ज़ा ये होता है कि भाई चीज़ जो है ना इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मकदार में डाली जाती है, तो जब चीज़ फुल होता है तो वो बहुत ही आला सीन बनता है। ये ओए होए होए, यहाँ पे आपको आइटम गिनने मुश्किल हो जाएंगे, इतने आइटम है यहाँ पे। आप चेक कर रहे हैं, क्रीमी पास्ता, शास्त्रिक विद राइस, प्रॉन चिली ड्राई, सिंगापुरियन राइस, क्या क्या आइटम बन रहे हैं भाई यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं उजिया तबारक और भाई मैं मौजूद हूँ इस वक्त हुसैनाबाद पे, और हुसैनाबाद की तो बात ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप आए बहुत ही नए नए बहुत ही मज़ेदार खाने आपको मिलते हैं। क्या हाल है भाई, क्या हाल है? ठीक है, तो इस वक्त हम मौजूद हैं हुसैनाबाद पे और बाइक पे लोग भाई सलाम दुआ करते जा रहे हैं, आप लोगों की मोहब्बत है। आज हम आए स्पेशली जमजम फूड्स पे, क्योंकि इनके पास बहुत ही यूनिक, मतलब यूनिक तो है ही लेकिन हर वेराइटी इनके पास मौजूद है। ख़ास तौर पर मैं इनका ट्राई करूँगा यहाँ पे पिज़्ज़ा सैंडविच, लावा पिज़्ज़ा, इनका पुलाव भी है, बिरयानी भी है, बारबेक्यू, चाइनीज़, यू नेम इट दे हैव इट, ये वाला सीन है भाई। तो भाई जमजम फूड्स पे चलते हैं और देखते हैं हुसैनाबाद पे क्या हो रहा है, तो फिर चलें। आई एम फ्रॉम इंटीरियर सिंह और आपके फूड व्लॉग्स देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। माशाल्लाह, कौन से शहर से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से। सांगड़ की तो मैंने फिश सब्जी की वीडियो बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेल्फी हो जाए आपके साथ। और सही से आपकी क्या, यहाँ का जो प्लेटर है ना उसका आपने ब्लॉग लाजमी बनाया। प्लेटर का, प्लेटर का कौन सा वाला प्लेटर? प्लेटर जो 1100 रुपीज़। मैंने तो वो सुना है कि वो पिज़्ज़ा सैंडविच इनका, लावा पिज़्ज़ा और इनका जो पिज़्ज़ा सैंडविच है वो भी बेस्ट है। प्लेटर कौन, पुलाव वाला प्लेटर? पुलाव वाला प्लेटर जो है जिसके अंदर शामी कबाब, टिक्का वगैरह जो है, बॉन स्टिक वगैरह जो है वो सब बहुत बेस्ट है सर। आप यहीं रहते हैं? नहीं नहीं, मैं रहता हूँ पाक कॉलोनी पे। मैं भी ट्राई करने के लिए। अरे भाई, अरे अरे जबरदस्त, वहाँ से आज ट्राई करने के लिए। चलो प्लेटर भी ट्राई करना पड़ेगा इसका मतलब। ये देखिए भाई आप, ये जो है ना ये सारा सीन बना हुआ है माशाल्लाह, यहाँ पे बिरयानी और ये पुलाव है। पाकिस्तान का हैदराबादी पुलाव है और जो हैदराबाद दक्कन है उनकी बिरयानी मशहूर है ना, हमारा पुलाव मशहूर। हमारी कराची की जो बिरयानी है ना, दिखाना भाई जरा बिरयानी। ये भाई बिरयानी का देखें आप भाई, कराची की बिरयानी जो है ना उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद भाई। मुश्ताक भाई जी, जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त माशाल्लाह भाई, रश लगा हुआ है। दमदम नाम कैसे रखा आपने? बस ये हमारे बॉस ने रखा हुआ है दमदम का, माशाल्लाह आपको पता है। दमदम पानी भी है, दमदम दमदम जो पानी है ना जी, जी सर, उसका तो एक लहदा जायका है और माशाल्लाह इसमें भी जायका है हमारे पास सर। हम जो है नाम आता है ना तो मक्का की याद आ जाती है जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी हमने जो है यहाँ पे बारबेक्यू प्लेटर स्टार्ट किया है। अच्छा। जी सर, ये बहुत बेहतरीन है, इसमें बटर राइस तैयार होता होते हैं, बटर राइस में, बटर राइस में। तो ये आइटम हमारे पास तो सर बहुत सारे आइटम है, नाम लें तो मुश्किल ही है कि आपको कंप्लीट कर सकें। अच्छा, इतने आइटम है सर हमारे पास, पिज्जे के आइटम हैं, फास्ट फूड है, चाइनीज़ है, बारबेक्यू है, चिकन बिरयानी है, पुलाव है। सर ये हमारा सुबह 12 बजे स्टार्ट होता है और सुबह तकरीबन 5:30, 5:30 बजे तक। जी जी सर, सुबह तक? जी सुबह तक सर। कराची की रौनक तो यही है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। भाई देखिए, ये जो रेस्टोरेंट है ना सुबह 12 बजे खुलता है और सुबह 6 बजे तक ये खुला रहता है, यानी आज सिर्फ 6 घंटे का गैप आता है। नाश्ता भी शुरू करते हैं जब इतने सारे आइटम? सर नाश्ता नहीं, बस यही बहुत है माशाल्लाह, थोड़ा रेस्ट का टाइम भी चाहिए होता है ना। जी 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 भाई, सुबह 6 बजे तक, आप लोग कराची में रात को 4 बजे भी भूख लगी है ना, आप यहाँ पे आ जाए। है भाई बिल्कुल सर, सुबह 6 बजे तक हम होम डिलीवरी करते हैं सर। 6 बजे तक, हफ्ता इतवार पक्का 6:30 बजते हैं होम डिलीवरी, सुबह 6 बजे तक। 6 बजे तक सर। भाई कराची वालों जरा ख्याल करो। कैसे हैं आप? फॉलोवर हूं आपका। अरे भाई आपकी वीडियो बहुत देखता हूं। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू, थैंक यू। ये देखिए भाई आप, माशाल्लाह जबरदस्त बारबेक्यू चल रहा है यहाँ पे, और बारबेक्यू वाले भाई जो है ना, क्या नाम है भाई जान आपका?
मोहम्मद सुहेल। सुहेल भाई जो है ना वो बड़े मसरूफ चल रहे हैं और ऐसा इन्होंने तेल लगाया अभी तो धुआं धुआं हो गया सब। वाह भाई वाह, बिहारी बोटी लग रही है मुझको, ये बिहारी बोटी yes, है ना देखा। और आगे मलाई बोटी, तुर्किश कबाब, तुर्की नदाना कबाब जी, रेशमी कबाब, रेशमी कबाब, कौन कौन से कबाब है? डीप सीख कबाब है, चिकन रेशमी कबाब है, दीप अदना कबाब है, और गोला कबाब है, धागा कबाब है, भाई कबाब है, भाई कबाब है। नाम याद नहीं है भाइयों को दोनों को, है ना याद नहीं है नाम की, कौन कौन से कबाब है। ये क्या प्लेटर बन रहा है? हाँ ये प्लेटर है सर। ये देखो भाई ये क्या आया? ये मलाई टिक्का, मलाई टिक्का है प्लेटर में। ये चीज, ये राइस भी बड़े जबरदस्त लग रहे हैं भाई। ये देखिए आप, ये चिकन टिक्का, ये चिकन टिक्का आ गया। वाह भाई वाह, क्या प्राइस है इस प्लेटर की? 1900 रुपये, 2000 रुपये, 2000 रुपये। मेरे ख्याल में चार बंदे, तीन चार बंदे खा सकते हैं। चार बंदों का है प्लेटर भाई। अभी और बाहर लगेगा। अच्छा और भी चीज़ें आ रही हैं अभी? ये क्या गवा पूरा हो गया। ओहो, तैयार हो गए भाई। वाह भाई वाह, क्रीम की टॉपिंग भी होती है एंड में। भाई क्वेटा से भाई आए हुए सारे हमारे, माशाल्लाह। क्वेटा के खानों की तो बात ही अलग है। एग्जैक्टली बिल्कुल। हां अभी आप आइए हमारे पास दोबारा, इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह करेंगे जरूर। भाई ये जमजम फूड्स पे हम अभी आए ही थे कि इतनी गहमा गहमी माशाल्लाह शुरू हो गई। ये पुलाव बिरयानी का सेटअप, यहाँ पे ये कबाब का सेटअप, और यहाँ पे आप ये चेक करें, यहाँ पे ये सिंगापुरियन राइस, और क्या क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या हाल है भाई जान? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या बना रहे हैं यहाँ पे आप? ये शाशलिक बना रहा हूँ, प्रॉन ड्राई चिल्ली बना रहा हूँ, और क्रीमी पास्ता बना रहा हूँ। कॉन्टिनेंटल आइटम यहाँ पे बन रहे सारे जी, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज पास्ता जी वगैरह वगैरह। प्रॉन ड्राई चिल्ली बन रहे, प्रॉन ड्राई चिल्ली, प्रॉन ड्राई चिल्ली, ये तो मुझे ट्राई करना पड़ेगा। प्रॉन का खाना है सर, ये देखो प्रॉन ड्राई चिल्ली। क्रीमी पास्ता भाई, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि यहाँ पे आपको आइटम गिनने मुश्किल हो जाएंगे, इतने आइटम है यहाँ पे। आप चेक कर रहे हैं, क्रीमी पास्ता, शाश्लिक विद राइस, प्रॉन चिली ड्राई, सिंगापुरियन राइस, क्या क्या आइटम बन रहे हैं भाई यहाँ पे। ये पिज्जे का स्टेशन है जो भाई, यहाँ पे सारे पिज्जे के आप देखें भाई, ये चीज, चिकन, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के हैं, सॉसेज वगैरह सब रखे हुए हैं। पिज्जा स्टेशन पे काम चल रहा है माशाल्लाह। पिज्जा लावा पिज्जा यहाँ पे क्या रहा है? लावा पिज्जा है, मलाई क्रीमी पिज्जा सेंड है, बारबेक्यू पिज्जा सेंड है, नॉर्मल पिज्जा सेंड है, तीन आइटम ये हो गए। उसके बाद हमारे पास स्टार पिज्जा, पेरी पेरी पिज्जा, चिकन टिक्का, क्रीमी टिक्का, सारे पिज्जे तैयार हुए हैं यहाँ पे। कौन सा पिज्जा है ये? लावा फेमस है मेरा, सबसे ज़्यादा फेमस यही लावा पिज्जा। लावा पिज्जा, लावा पिज्जा, लावा पिज्जा तैयार हो रहा है भाई ये। और इसके अंदर जो है ना वो बहुत सारे आइटम डाले गए हैं, चिकन डाली है, उसके बाद ऑलिव्स हैं, कैप्सिकम, अनियन। और लावा पिज्ज़ा ये होता है कि भाई चीज़ जो है ना इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मकदार में डाली जाती है, तो जब चीज़ फुल होता है तो वो बहुत ही आला सीन बनता है, इसीलिए इसको कहते हैं लावा पिज़्ज़ा। ये भाई पिज़्ज़ा सेक्शन के बराबर में जो है ना ये यहाँ पे फास्ट फूड का सेक्शन बना हुआ है, और यहाँ पे आपके ब्रोस, बर्गर्स, ये सारी चीज़ें, फ्राइज़ वगैरह, ये सब चीज़ें तैयार हो रही हैं। और ये किचन है भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये क्या बिरयानी का है? बिरयानी का सर। अरे बिरयानी का भाई, ये देखिए आप किचन के अंदर, अरे अरे मक्खन मिल रहा है भाई। ये पिज्जा पिज्जा ये सारा सर मक्खन ही है। अच्छा कितने मक्खन डाल दिया ये? इसमें 8 मक्खन डाल दिया हमने। 8 मक्खन, 8 मक्खन डाल दिया। राइस ये पिज्जा राइस का 200 ग्राम का मक्खन है सर। ये पुलाव बिरयानी और ये बटर राइस। सुबह 11 बजे तो लग के 3 बजे तक, सुबह 11 से रात 3 बजे तक। अच्छा ऊपर फैमिली हॉल है भाई किचन के अंदर, तो बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। बराबर में इनका एक जेंट्स हॉल है, ऊपर फैमिली हॉल है, और तीसरी मंजिल पे पार्टीज़ वगैरह भी होती हैं, तो वो चीज़ें ज़रा जाके देखते हैं इनके हॉल, कुछ ट्राई करते हैं। और भाई आइटम्स इतने सारे हैं भैया भाई,
ये क्या सीन है? ये जा भाई, ये है ड्रम स्टिक और ये चिकन बॉल। ये तो हमने ऑर्डर नहीं किया। अरे सर आपको खिला रहे हैं। अरे भाई यार, ड्रम स्टिक और ये चीज बॉल। चीज बॉल माशाल्लाह। इधर बाहर चल के चेक करते हैं, अंदर गर्मी बहुत है। चले भाई जरा ये चीज बॉल देखें आप। चीज बॉल ये, ओए होए होए होए, ये जो चीज निकल के आया है ना, वाह भाई वाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहला आइटम जमजम फूड्स का। ओए भाई चीज बॉल बहुत ही आला है और बहुत ही फ्लफी नरमो मुलायम सी इसका जो है ना ये आउटर कोर है, अंदर चीज़ भरा हुआ है और कुछ हर्ब्स वगैरह भी इन्होंने डाली हैं इसके अंदर, इसकी वजह से टेस्ट बड़ा मज़ेदार आ रहा है। वेरी नाइस। ये भाई ड्रम स्टिक, ये चेक करते हैं। थोड़ा सा सॉस भी इन्होंने दिया हुआ है। मेयोनीज का सॉस है, बगैर सॉस के ज़रा चेक करते हैं। भाई मेयोनीज इन्होंने दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो चिकन ड्रम स्टिक है ना, ये बहुत ज़बरदस्त मैरिनेशन इसके अंदर है, बहुत ही नरम मुलायम मसालेदार लजीज जायका है इसका, तो मेयोनीज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे थोड़ा सा मुझे स्वीट लग रहा है। बग़ैर उसके भी आप खाएं तो ये काफ़ी जूसी है, मज़ेदार है। वेरी नाइस यार, नए नए आइटम लेकर आ रहे हैं हम। बेहतरीन चीज़ बॉल ड्रम स्टिक खा के मज़ा आ गया भाई। बराबर में इनका जो है ना वो जेंट्स हॉल है और उस पर लिखा हुआ भी है, ये अलग से इन्होंने अभी एक नया सेटअप इनका बन रहा है बराबर में ही, मेन रेस्टोरेंट के बराबर में, और ये जेंट्स हॉल है इनका भाई। यहाँ पे फैमिलीज भी खैर बैठी हुई है क्योंकि ऊपर फैमिली हॉल जो है वो भर चुका है, तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए भाई यहाँ माशाल्लाह रश चल रहा है, ज़बरदस्त सीन है। खाली आप लोगों ने पुलाव है भाई, ज़बरदस्त। ये देखिए भाई माशाल्लाह फैमिली पूरी आई हुई है यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है, ज़बरदस्त। प्लेटर ट्राई कर रहे हैं आप लोग? यस। अब मुंह में पानी तो नहीं आ रहा। प्लेटर भी नज़र आ रहा है मुझे और लावा पिज़्ज़ा भी नज़र आ रहा है। आप लोग बेफिक्र रहे, नज़र नहीं लगाऊंगा मैं, मुझे भी एक चीज़ें ट्राई करनी है अभी। सही सही सही, कैसा है खाना इनका? आप लोग यहीं रहते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो सुबह 5-6 बजे तक मैंने सुबह चलता रहता है सीन भाई। हुसैनाबाद की रौनक की है तो बात ही अलग है। क्या बात है, जबरदस्त। चले यहाँ पे आके जो है ना गर्मी हो रही है कराची के अंदर जो है ना, सर्दी देर से भी आती है। यहाँ पे लगा हुआ है फुल एयर कंडीशन, तो फैमिली के लिए तो बेहतरीन जगह है ये, जबरदस्त। ओ हो भाई यहाँ पे तो ये माहौल ही अलग बना हुआ है माशाल्लाह। ये किसकी? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे प्यारी हिबा। तो प्यारी हिबा की सालगिरह है आज, वो 12 बजे के बाद मेहमान आएंगे यहाँ पे। कल्चर जो कराची के अंदर ज़रा डिफरेंट है, तो जिस जिसका नाम हिबा है और उसकी सालगिरह है या नहीं है, जिस जिसका नाम है हिबा उसको कॉमेंट करके बताना तो ज़रूर है, क्योंकि मैंने उसको हैप्पी बर्थडे किया है भाई। प्यारी हिबा हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सीन है, तकरीबन 80 लोगों की बैठने की जगह है ये, और बर्थडे सेलिब्रेट करें आप, छोटी मोटी पार्टी करें, बड़ा अच्छा सजाया हुआ भी है इन्होंने। हम यहीं पे बैठ के ज़रा अपना लावा पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा सैंडविच और प्रॉन ड्राई चिली और ये सब चीज़ें ज़रा ट्राई करते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट में जो है ना वो अल्फाज भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। ज़बरदस्त सीन है माशाल्लाह। भाई बहुत मज़ेदार सी चीज़ें आ गई हैं। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा भाई ये लावा पिज़्ज़ा, क्योंकि ये जो है ना देखने में ही बहुत आला लग रहा है। ये आप चेक करें। ओए होए 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 भाई, लावा पिज़्ज़ा में से जो है ना वो लावे की तरह चीज़ जो है वो ड्रिपिंग हो रही है ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह। बहुत ही आला सीन है भाई, कहाँ से शुरू करूँ इसको, कहाँ ख़त्म करूँ समझ में नहीं आ रही। बिस्मिल्लाह। ओए होए, दो तीन लेयर्स हैं चीज़ की मेरे ख्याल में, और काफ़ी सारे जो है ना वो सॉसेस भी इसके अंदर हैं, क्योंकि टेस्ट बड़ा डिफरेंट है। हल्का सा स्पाइस भी इसके अंदर है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी और कराची ख़ास तौर पे मिर्च का शौकीन है, तो हल्के सा स्पाइस है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर लावा पिज़्ज़ा में भी आपको मिलेंगे, और ये वाला भी मज़ेदार है, बहुत ही ज़बरदस्त। चीज़ की जो ड्रिपिंग हो रही है ना, वेरी नाइस। लावा पिज़्ज़ा के बाद भाई पिज़्ज़ा सैंडविच भी मैं साथ ही ट्राई कर लूँ,
ये ओए होए होए, ये देखें आप, ये माहौल बना हुआ, ये क्या बात है भाई, क्या बात है, ये माहौल बना है ज़बरदस्त। ये पिज़्ज़ा सैंडविच जो है वो मेनली मुझे कालजोन की ही एक टाइप लग रही है। वाह, लावा पिज़्ज़ा नो डाउट अच्छा है, लेकिन मुझे ये पिज़्ज़ा सैंडविच ज़्यादा अच्छा लगा। जो क्रस्ट है वो थोड़ा थिन है और जो चीज़ चिकन स्टफ़ वो इसमें ज़्यादा है। पिज़्ज़ा सैंडविच रिकमेंडेड है भाई। ये जो लावा पिज़्ज़ा था ये था 680 का, जो सैंडविच है वो है 480 रुपए का, और ये भी मेरे सामने रखे हुए हैं प्रॉन चिली विद राइस, ये 950 की प्लेट है, फुल हाफ 750 की है, और चिकन चिली विद राइस भी रखे हुए हैं, ये 750 रुपए की प्लेट है। तो प्रॉन चिली के आप देखें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, और राइस भी इतने हैं कि मेरे ख्याल में दो लोग आराम से इसको खा सकते हैं 950 रुपए की प्लेट। प्रॉन सी फूड वैसे भी आपको पता है थोड़ा सा उसकी प्राइस ज़्यादा ही होती है। चले जी बिस्मिल्लाह। भाई प्रॉन चिली में जो है ना वो हरी मिर्च भी है, कैप्सिकम भी हैं, और हरी मिर्च की थोड़ी सी तेज़ी इसके अंदर मुझको महसूस हो रही है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। साथ में चाइनीज़ राइस हैं, वो चाइनीज़ राइस का अपना मज़ा, और साथ में हल्का सा पाकिस्तानी टच वो हमारे खानों में होता है यहाँ के चाइनीज़ में, पाकिस्तानी स्टाइल के, तो वो महसूस हो रहा है भाई, और बहुत ही मज़ेदार है नो डाउट, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही लजीज, बहुत ही जायकेदार। और भाई ये ज़रा सिंगापुरियन राइस को भी हाथ के हाथ में ज़रा टेस्ट कर लूँ। नीचे इसके ये बटर राइस जो हमने बनते हुए देखे ना, बटर राइस वो ये इसके अंदर भी होते हैं और बारबेक्यू प्लेटर में भी होते हैं। ये आप देखें ज़रा भाई, इसको एक अच्छी सी बाइट बना के हम टेस्ट करते हैं। सिंगापुरियन राइस इसमें भी काफ़ी सारे सॉसेस हैं, जिस तरह लावा पिज़्ज़ा के अंदर बहुत सारे सॉसेस थे, और ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है जमजम फूड्स का, सिंगापुरियन राइस अच्छा है, मज़ेदार है। लेकिन मैंने प्रॉन चिली ट्राई खाया है तो वो मेरे लिए जो है ना वो टॉप पे है, ये उसके बाद है बहुत अच्छा। तो आप दोनों चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉन चिली ट्राई विद राइस जो है ना वो बाजी ले गया भाई। भाई बर्थडे पार्टी का टाइम शुरू हो गया, मेहमान आने शुरू हो गए, तो हम आ गए नीचे क्योंकि अभी एक चीज़ बाकी है मेन, जो कि बारबेक्यू प्लेटर है इनका, इसके अंदर बटर राइस डलते हैं, बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस, बहुत ही रिकमेंडेशन है उसकी, तो वो ट्राई करना बाकी रह गया है। पेट में थोड़ी जगह अभी है। ये भाई डिलीवरी हो रही है भाई जी, भाई डिलीवरी चल रही है, ज़बरदस्त सीन है माशाल्लाह। भाई डिलीवरी का सीन ये है कि आप सुबह 5 बजे तक खाना अपने घर पर मंगवा सकते हैं जमजम फूड से, लेकिन पीर से जुमेरात दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक 15 किलोमीटर के रेडियस में फ्री डिलीवरी है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सीन है। अरे भाई, अरे भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लेटर आ गया भाई हमारा, और दो दो प्लेटर आ गए, पुलाओ और ये बारबेक्यू प्लेटर बन और पर्सन के लिए, और ये चिकन बिरयानी और ये बीफ पुलाव प्लेटर से। अरे भाई, अरे भाई भाई, मंगाया तो हमने बारबेक्यू प्लेटर था, लेकिन यहाँ पे हमारी कुछ ज़्यादा ही मेहमान नवाजी हो गई है माशाल्लाह, ऊपर भी काफ़ी एक्स्ट्रा आइटम आ गए थे, और यहाँ पे भी ये पुलाव का एक प्लेटर है, बिरयानी है, और पुलाव का एक थाल भी आ गया है, तो इतनी सारी चीज़ें माशाल्लाह हमारे सामने हैं। तो सबसे पहले मैं बारबेक्यू प्लेटर ही ट्राई करता हूँ। ये देखें भाई, इसके ऊपर क्रीम की टॉपिंग भी करते हैं, और ये जो राइस है ना, ये बटर राइस है, मक्खन 1 किलो चावल में 200 ग्राम मक्खन डाला जाता है जब ये चावल बनते हैं। ये दो लोगों का प्लेटर है भाई 1300 रुपए का। ये मैंने अदाना कबाब इसके साथ लिया है, यहाँ पे ये चिकन बोटी वगैरह भी इसके अंदर बारबेक्यू की आ रही है, ये देखें आप। चलें जी भाई, ये ट्राई करते हैं अदाना कबाब के साथ बटर राइस। बिस्मिल्लाह। मक्खन की वजह से जो चावलों के अंदर एक मज़ेदार टेस्ट आया है ना, जिस तरह वो चुल्लू कबाब होते हैं ना, चुल्लू कबाब में सादा राइस होते हैं, उसके अंदर भी मक्खन डाला जाता है, तो ये बघारे हुए चावल हैं और चावल बनाते हुए ही इसके अंदर मक्खन डाल दिया गया है, तो इसके अंदर जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अलग हो गया भाई। और जब आप इसको ये अदाना कबाब और चिकन बोटी वगैरह के साथ खाते हैं तो भाई मज़ा ही दुबला हो जाता है।
भाई ये बारबेक्यू प्लेटर है 1300 रुपए का, पुलाव का प्लेटर है 1500 रुपए का, लेकिन ये पुलाव के जो राइस है ना, ये आप ये चेक करें, ये 280 रुपए का आधा किलो है। और यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी मुनासिब हैं, क्योंकि ये बिरयानी आधा किलो ये है 260 रुपए की, तो बहुत ही मुनासिब प्राइसेस हैं यहाँ पे। और अगर प्लेटर को देखा जाए ना, तो 2 से 3 लोग इसमें आराम से खा सकते हैं, और वैरायटी बहुत ज़्यादा है। ये पुलाव का प्लेटर जो है भाई, इसके अंदर ये पूरी नली भी पड़ी हुई है, ये बन गया नली पुलाव भाई, वाह। देखिए थोड़ा सा गूदा लेंगे हम इधर से, एक बोटी लेंगे, और ये पुलाव के प्लेटर के अंदर भी आपको अदाना कबाब मिलेगा और बिहारी बोटी मिलेगी। ये आप कस्टमाइज भी करा सकते हैं, और प्लेटर के डिफरेंट साइजेस हैं। तो ये हम पुलाव ज़रा चेक करते हैं भाई, थोड़ा सा गूदा भी है इसके अंदर पुलाव। अच्छी बात लगी कि इस पुलाव के अंदर जो ऑथेंटिक पुलाव का जायका है, जो ओरिजिनल रेसिपी है, वो आपको मिलेगी। नली आपकी मर्ज़ी है, आप डलवाना चाहें तो डलवा लें, नहीं डलवाना चाहें आपकी मर्ज़ी, आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। बहुत ही खिले खिले चावल, बहुत ही गोश्त की क्वालिटी बहुत अच्छी, मज़ेदार भाई। इतने सारे खाने हो लेकिन बिरयानी हो, और आप बिरयानी टेस्ट ना करें तो ये बिरयानी की इंसल्ट हो जाएगी ना, इसलिए बिरयानी टेस्ट करना तो ज़रूरी है, क्योंकि एंड जो है ना वो होगा भाई बिरयानी पे। बिरयानी बिरयानी तो फिर बिरयानी है ना भाई, मसाले वाली चटपटी बिरयानी है चिकन की, जो ख़ास कराची की होती है। सारे ही खाने भाई रमजम फूड के एक से बढ़ के एक हैं, और हफ्ते के सातों दिन ये जो दोपहर 12 बजे से सुबह 6 बजे तक खुला रहता है, तो कोई तो वजह है ना, जब जायका होता है तो भाई जब ही लोग आते हैं, और नो डाउट बड़ा ही मज़ा आया। और एंड में जो ये बिरयानी खाई है, तो भाई सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो चेरी ऑन टॉप होती है ना, जो वो हो गई है बिरयानी से। ये बहुत ज़रूरी था भाई, क्योंकि हमने बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हैवी ड्यूटी खाने खाए हैं, और तरह तरह की वैरायटी है, चाहे चाइनीज़ हो, पास्ता हो, फास्ट फूड हो, या फिर अपने देसी खाने पुलाव बिरयानी, सब कुछ जमजम फूड के ऊपर मिलेगा, और बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पे आइए, एंजॉय कीजिए, मज़े मज़े के खाने खाइए, और भाई को दुआ में याद रखिए। आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।